राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ सब अच्छे से होंगे। तो गाइस, आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी, और मेरे ठाकुर जी का भी जन्मदिन आज है। क्योंकि जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर में आए थे तो मैं बीमार थी और मुझे याद ही नहीं रहा कि वो कौन से दिन में आए थे, तो इसलिए मुझे याद ही नहीं उनका बर्थडे कब है। तो मैंने भागवत में सुना था कि जैसे कि लड्डू गोपाल जी आपके घर में आते हैं, अगर आपको वो दिन याद नहीं है तो आप जन्माष्टमी वाले दिन ही उनका बर्थडे मना सकते हैं, उनका जन्मदिन मना सकते हैं। तो ये है मेरे लड्डू गोपाल जी की ऑरेंज वाली ड्रेस और वाइट वाली, तो मेरी छोटी बेटी जो है उनको ड्रेस पहना रही है, नहला के उनको लेके आ गई है, क्योंकि उनको नहलाना धुलाना बहुत ही अच्छा लगता है। और उनसे ये वाली ड्रेस पहनाई नहीं गई तो अब मैं पहना रही हूँ। तो ये जो उनकी ड्रेस है थोड़ी सी बड़ी है उनकी कमर के लिए, क्योंकि मेरे ठाकुर जी हैं जो बहुत ही छोटे हैं। तो अभी मैं अच्छे से उनकी ड्रेस जो है वो सेट कर रही हूँ। अभी मैंने ले लिया है धागा, क्योंकि जो उनकी कमर बंद है वो थोड़ी सी बांधने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये इसी के साथ ही और मुझे कमर बंद ही लगी है। तो अभी मैं उनको पहना रही हूँ। तो ये मेरे ठाकुर जी जो है रेडी होके मंदिर में बैठ गए हैं। तो ये देखिए हमारा मंदिर, तो मैंने इस तरीके से सजा दिया है। और ये जो मटकी ऊपर रखी हुई है ये मेरे बच्चों ने ही बनाई हुई है, और ये मुझे लग रहा है कि थोड़े से फूल कम पड़ गए थे, क्योंकि मुझे और भी लगाने थे और मैंने सोचा ये बहुत हो जाएंगे, पर नहीं, ये बहुत ही कम पड़ गए, क्योंकि मुझे मैंने फिर झूले में भी लगा दिए थे इनके, और इनकी ड्रेस के साथ जो इनके स्लीपर्स हैं वो भी मैच हो गए हैं मेरे ठाकुर जी को। बस अभी ठाकुर जी ही बैठे हैं, अभी मुझे थोड़ा और सजाना है। और ये जो दो कोलियाँ हैं इनको मैंने ढक के रखा, क्योंकि इनमें सिंदूर और चंदन तिलक रखा है मैंने। और ये मैया जी को भी ड्रेस मैंने पहना दी है। और ये है इनकी बास्केट और मैंने सजा के रख दी है। और ये इनकी चारपाई और इनका बेड, कि ठाकुर जी को जब रेस्ट करनी होगी, क्योंकि आज उनका बर्थडे है तो वो सारा दिन बैठेंगे मंदिर में, और जब उनको रेस्ट करनी होगी तो मैंने पहले से सजा के रख दिया है। और ये देखिए ये है मंदिर। आज मैं सुबह ही जल्दी उठ गई थी नहा धो के, क्योंकि कल मेरे जो बच्चे थे आपने पिछली बारी वीडियो में देखा था वो खुद ही सफाई करने लगे हुए थे, तो कुछ रह गई थी तो मैंने वो अच्छे से कर दी है आज। और ये उनकी पूजा हमने कर दी है, मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने। और ये देखिए ये लड्डू की पैकिंग है, ऐसी ही बनाई थी हमने लड्डू की पैकिंग, और सब हमने नेबर को दे दिए। और ये एक जो मेरी छोटी बेटी उनके टीचर्स जो रह गए हैं तो उनको ये भेज रहे हैं। ये देखिए मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए इनकी ड्रेस, ये देखिए ये है झूला, झूले में भी मैंने फूल लगा दिए थे। ये मटकी है तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, पर ये एक गत्ते से बनाई हुई है। और हमने ये जन्माष्टमी जो है वो पहली बार ही मनाई है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर त्यौहार मनाने नहीं आते, क्योंकि मेरे घर में बड़े नहीं हैं, ना मेरे पीछे मम्मी है ना मेरे आगे मम्मी है, तो इसलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। और जब से मेरे ठाकुर जी ने मेरा हाथ थामा है, मेरे भगवान जी ने मेरा हाथ थामा है, तो वो मुझे सब कुछ धीरे धीरे सिखा रहे हैं और मैं सीख रही हूँ, और ये सभी उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो गाइस, अभी दोपहर में मैंने उनकी ठाकुर जी की जो पोशाक थी वो चेंज कर दी थी, क्योंकि एक ही पोशाक में बैठे बैठे, क्योंकि आज तो ठाकुर जी का दिन है और उनको सजना ही सवाना है। तो अभी बज गए हैं 10:30 रात के, और ठाकुर जी भी थक गए हैं, तो अभी उनको मैं विश्राम के लिए लटा दूँगी। और थोड़ा सा घी मैंने डाल दिया है इसमें जोत में, तो ठाकुर जी कर रहे हैं विश्राम, और उनके थोड़े से मैंने पाँव और हाथ दबा दिए हैं, क्योंकि वो थक गए हैं। और मैंने पंडित जी से पूछा था, उन्होंने बोला था कि जब 12 बजे को 10 मिनट रह जाएंगे तब आपने ठाकुर जी को नहला देना है, और फिर उनको झूले में बिठा देना है और कपड़ा दे देना, और उसके बाद उनका जन्मदिन होगा। तो अभी ठाकुर जी को मैंने सोचा कि थोड़ा विश्राम करवा देते हैं, क्योंकि वो थक गए हैं, नहीं तो ऐसे तो वो सारा दिन वैसे हमारे साथ खेलते ही रहते हैं। ठाकुर जी अभी विश्राम कर रहे थे, तो अभी मैंने उनको उठा दिया है, क्योंकि अब हो गए हैं 12:15।
तो अभी मैं ठाकुर जी को थोड़ा बिठा रही हूँ, उनको नहलाऊँगी और अभी मैं ये वाली ड्रेस खोल के रख दूँगी। अभी मैं उनको न्यू वाली ड्रेस पहनाऊँगी। और ये मैंने स्पीकर लगा दिया और इसमें लगा दिया है मैंने गाने लड्डू गोपाल जी के, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, और ये सॉन्ग चल रहे हैं। और अभी मैं उनकी पोशाक जो है वो निकाल रही हूँ नए वाली, क्योंकि जो दोपहर में बनाई थी वो भी कुछ इस तरीके से कलर थी, पर ये थोड़ी सी अलग है उनसे, ये देखिए। और आज मेरे ठाकुर जी का जन्मदिन है, आज तो उनका सजना संवरना बनता ही है, तो अभी मैं उनकी निकाल रही हूँ पगड़ी। पगड़ी कुछ मैच नहीं हो रही थी, मैं 3-4 लाई थी, पर जो ड्रेसें थी मैं कुछ बाद में लाई थी, तो अभी ये मैंने मैं थोड़ी सी मैच कर दी है। ये इनकी नई बांसुरी और ये इनकी माला, तो ये गंगा जल डाल दिया है। तो अभी मैं ठाकुर जी को नहलाऊँगी और बस गंगा जल ही पानी में डाला है मैंने, और मेरे ठाकुर जी अभी नहाई नहाई कर रहे हैं। राधे राधे, राधे राधे जी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। तो ऐसे ये सॉन्ग लगा रखे हैं और मेरे ठाकुर जी जो है वो अब नहा के रेडी होने लगे हैं। आज उनका बर्थडे है और बहुत ही सुंदर सुंदर बने हुए हैं, तो ये उन्होंने पहन ली है ड्रेस। और अभी टाइम भी हो रहा है, उनको जल्दी से पालकी में बिठाना है। और मुझे इतनी समझ नहीं है, बस मेरे ठाकुर जी की कृपा से जितनी मुझे समझ है मैंने उसके हिसाब से उनका जो पूजा थी उनकी वो मैंने कर दी है। और मेरे पास चुनरी भी नहीं थी रेड वाली, मुझे याद पता ही नहीं है कि चुनरी भी लेते हैं, कुछ लोग ले रहे थे पर मुझे समझ नहीं है वो क्यों ले रहे थे। फिर मुझे बाद में ठाकुर जी ने खुद ही याद दिला दिया कि चुन्नी से ढका भी जाता है, और ये चुन्नी मेरे नए सूट वाली थी तो मैंने ढक दिया। और ये देखिए मेरे ठाकुर जी का जन्मदिन हो गया और 12 बज गए हैं, और हैप्पी बर्थडे ठाकुर जी, हैप्पी बर्थडे, और आप सबको भी हैप्पी जन्माष्टमी। और अब देखिए ठाकुर जी को झूला झुला दिया और इनकी मैं उतार दूँगी आरती, क्योंकि ये थक चुके हैं। और ये मैंने आरती उतार दी और ये मेरी छोटी बेटी आ चुकी है और ये भी झूला झुला रही है और आरती दे रही है। इसके बाद हम लगाएंगे इनको भोग, और जो मेरी बड़ी बेटी है वो सो गई थी और मेरे हस्बैंड भी सो गए थे, और आज हम सब ने रखा था व्रत। मेरी बड़ी बेटी ने गलती से सुबह टॉफ़ी खा ली थी चॉकलेट वाली, तो उन्होंने नहीं रखा था। और ये लड्डू और पेड़े का मैं लगाऊंगी अभी भोग ठाकुर जी को, और मेरे हस्बैंड भी सो गए थे और मेरी बड़ी बेटी भी, और हम दोनों ही जग रहे थे, और दोनों क्यों हम तीनों ही जग रहे थे, मेरे ठाकुर जी भी जग रहे थे। और ये मेरी छोटी बेटी जो है लड्डू का भोग लगा रही है, और ये पेड़े और प्रसाद का जो भोग रखा हुआ था ठाकुर जी को ये इसमें मिक्स कर लिया, और मेरा व्रत था तो इसलिए मैंने ठाकुर जी से केले का भोग ले लिया और मैंने प्रसाद बांट दिया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बस मेरी छोटी बेटी ने ही प्रसाद लिया था, और ये केले का भोग मैंने ले लिया है। और ठाकुर जी भी अब सोने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने पहन लिया है नाइट सूट। और आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। और ये है नेक्स्ट डे, और शाम को मैं बच्चों को ट्यूशन लेके आई थी बड़ी बेटी को, तो तब मैं मोमोज और बर्गर लेके आई थी, और मैं और मेरी बड़ी बेटी खा रहे हैं, और मेरी जो छोटी बेटी है वो अभी ट्यूशन गई है, तो उनके लिए मैंने अलग से मोमोज और बर्गर रख दिए हैं, और चटनी भी मैंने साथ में रख दी है। और क्योंकि मेरी बेटी जो है वो सामने तो नहीं आ रही और मैं भी सामने नहीं आती हूँ, और बेटा मेरे हाथ तो दिख रहे हैं कि मैं खा रही हूँ। और गाइस, और हमने जन्माष्टमी का दिन और आज का दिन बहुत ही इन्जॉय किया, और क्योंकि व्रत रखे हुए थे कल हमने और सब ने, और छोटी बेटी का मन था कुछ खाने के लिए, तो इसलिए मैं अभी शाम के अभी बचे हुए हैं 5, तो मैं 5 बजे ही बच्चों को ट्यूशन से लेने गई थी, तब आते वक्त मैं ये ले आई। और आई होप ये गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी और राधे राधे जी। और ये है मेरी छोटी बेटी के लिए बर्गर, और ये मैंने रख दिया है साइड में, और ये है मोमोज, क्योंकि मैं 2 प्लेटें लाई थी तो उनके लिए भी 1 प्लेट मैंने ये रख दी है।
और उनको जितने खाने होंगे वो खा लेंगे। तो राधे राधे जी।